आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त लाइव हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती जी आज तक पर लाइव जुड़ रही हैं। उमा जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसको लेकर सरकार आई है लोकसभा में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि जब यूपीए में ऐसा ही बिल आया था तो आपने ओबीसी आरक्षण भी इसमें होना चाहिए कहकर उसका विरोध किया था। आज के जो अधिनियम आया है आपकी सरकार की तरफ से, उस पर उमा जी आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद में सत्र लगा और उसमें महिलाओं के विषय पर बातचीत शुरू हुई और मुझे भारी खुशी हो रही थी ये सुनकर के कि महिला आरक्षण आने वाला है। 1996 में जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जब ये बिल पेश करने की कोशिश की थी तो मैं खड़ी हो गई थी और मैंने कहा था कि इसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं का प्रावधान करिए, क्योंकि एसटी एससी का तो आप कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्सन के जरिए करेंगे की वजह से करेंगे ही, लेकिन आप इसमें ओबीसी महिलाओं का भी सुनिश्चित करिए, फिर बिल को पेश करिए। यह मेरे सौभाग्य की बात थी कि देव, क्योंकि मैं ही पार्टी की प्रवक्ता थी इस विषय पर अपनी पार्टी की तरफ से, कि देवगौड़ा जी ने मेरी बात का सम्मान किया, वो बैठ गए और उन्होंने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में सौंपे जाने की घोषणा कर दी। तब से ये बिल लंबित रहा, हमारी पार्टी में जब भी इसकी चर्चा चली हमेशा ये बात उठी कि इसमें पिछड़ी जातियों का समावेश होना चाहिए। फिर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उनकी कैबिनेट में जब भी चर्चा हुई तो हमने इस विषय को रखा और ये लगभग मैं मान के चल रही थी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी माँ का दूसरों के घरों में बर्तन मांझ करके उनको सबको बड़ा करने का विषय प्रस्तुत किया और बात करते करते जैसे वो भावुक हो जाते थे, वो अपनी माँ को भगवान की जगह मानते थे और रो पड़ते थे, तो मुझे यकीन था कि ओबीसी आरक्षण को समावेश करके ही हमारा यह विधेयक हमारी सरकार प्रस्तुत करेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं बहुत सुख और दुख के बीच में झूलने लगी। सुख था कि नए संसद में महिला आरक्षण के साथ सत्र शुरू हो रहा है और दुख था कि जो भरोसा ओबीसी हम पर किए बैठे हैं और कितनी कठिनाई से हम ओबीसी को अपने साथ जोड़ पाए, क्योंकि ओबीसी हमें अच्छी पार्टी तो मानते थे लेकिन वोट नहीं देते थे। वोट देते थे वो हिंदुत्व विरोधी नेताओं को, क्योंकि उनमें उनको अपनी जगह देखने को मिलती थी, वहाँ पर स्थान, ऊँचे स्थानों पर वहाँ बैठते थे वो, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, इन सबके साथ। जब हमने उनको अपने यहाँ जगह देनी शुरू कर दी तो इसके कारण उनके मन में हमारे प्रति एक विश्वास जगा और मुझे लगता है इस आरक्षण से वो विश्वास और मजबूत हो गया जब मोदी जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुआ और जब उन्हें बार बार अपनी माँ का बर्तन मांजने वगैरह का जो जिक्र किया है वो सच्चाई है। एक हीराबाई एक महान तपस्विनी थी और उन्हें एक महान योगी को जन्म दिया, तो मुझे खुद भरोसा था। तो कल मैं खुद सन्न रह गई जब मैंने ये देखा कि इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी को सुबह पत्र भी लिखा और वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच भी गया और मुझे ये भी पता है कि मैं जो कह रही हूँ ये उन तक पहुँचाया जा रहा होगा, क्योंकि उनका जो प्रधानमंत्री कार्यालय है बहुत एक्टिव रहता है और बहुत जल्दी उन तक सूचना भेजता है। और मुझे अभी भी आज भी यकीन है कि जो हमारी पार्टी के पिछड़े वर्गों के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसी स्थिति बना लेंगे कि इस विधेयक में संशोधन हो जाएगा। ठीक है उमा जी, देखिए आप दिल की बात जो मन में आपके होता है उसको सार्वजनिक रूप से कहने के लिए भी जानी जाती है, मुखर है, बेबाक है, लेकिन हर चीज को क्या वोट बैंक की राजनीति से नापा जाना चाहिए? आपने कहा कि कैसे ओबीसी जो वोटर्स हैं वो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसे में क्या वोटर्स को रिझाने के लिए महिलाओं के लिए एक तो आरक्षण हो रहा है, उसमें भी जाति के मामले को हम देखें यानी कोटे में कोटे का कांटा लगाएं तो ये महिलाओं के खिलाफ फैसला नहीं होगा, या फिर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि चाहे अगड़ी जातियों की हो, पिछड़ी जातियों की हो, महिलाओं को जिस तरह का संघर्ष इस देश में करना पड़ता है वो सिर्फ जाति के आधार पर नहीं है, वो उनके लिंग के आधार पर है और आखिरकार जाति के आधार पर अलग आरक्षण दिया जाता है, लिंग के आधार पर अलग आरक्षण बन रहा है, तो इसमें भी क्यों जातिवाद का जो एक कांटा है उसको डाला जाए? इस स्थिति का सामना तो महिलाओं को आगे भी करना पड़ेगा, आरक्षण के बाद में भी, फिर उन्हें मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी के समय पे ये बात लगभग मिट गई,
क्योंकि मोदी जी ने जब अपनी पहली बार में ही सरकार बनाई तो महिलाओं को वो विभाग दिए जो महिलाओं को दिए ही नहीं जाती थी। इसके पहले महिलाओं को आपको याद होगा पर्यटन, कल्चर और महिला बाल विकास, पंजीरी बनाओ, बच्चों के ध्यान रखो, इस टाइप के विभाग मिलते थे। पहली बार हुआ डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, में खुद वाटर रिसोर्स मिनिस्टर। मोदी जी ने उस मिथ को तोड़ दिया, उनने तो इसको स्थापित कर दिया कि महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ ही होती हैं, कम नहीं होती हैं। लेकिन संघर्ष तो महिलाओं का जारी रहेगा। ये जो बात मैंने कही है वोटर को रिझाने की बात मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है। मुझे लगता है मोदी जी के मन में ये भाव रहा ही होगा कि हम महिला आरक्षण के साथ इसकी शुरुआत करें। बस उनको पता नहीं कैसे हो गया, हम लोग जो थे वहाँ पर अंदर, कि हमें ये ध्यान में नहीं आ पाया कि पिछड़ी जातियाँ हमारे साथ अभी 10-15 साल से जुड़ी हैं, हम पर भरोसा करने लगी हैं। और अगर इस बिल में उनने अपने आप को नहीं देखा तो उनका वो भरोसा टूट जाएगा। उस भरोसे को हमें नहीं तोड़ना है, जैसे मंदिर को नहीं तोड़ने देना है, इसी प्रकार से लोगों के भरोसे को, गरीब वर्गों के लोगों के भरोसे को भी तोड़ने नहीं देना है। ठीक है, उमा भारती जी, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम मुद्दे आपने उठाए और पिछड़ी जातियों के लिए भी महिला आरक्षण में जगह होनी चाहिए, ये हमेशा से आपका मुद्दा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के।